नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपके लिए SSC और रेलवे के सामान्य ज्ञान, जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे और SSC में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका यह पार्ट वन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इस वीडियो का क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने किसको सीरी कमल की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों इसका आंसर है ख्वाजा अब्दुस समत को। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसका आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं। इसका आंसर है दोस्तों भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन काल की घटनाओं को। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांद बी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासिका थी। इसका आंसर है अहमद नगर की। दोस्तों अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। इसका आंसर है दोस्तों 1576 को। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था। इसका आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश ने। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था। इसका आंसर है दोस्तों पल्लव वंश के नंदीवर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। इसका दोस्तों आंसर है आहत सिक्के या फिर पंचमार्ग सिक्के। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था। इसका आंसर है दोस्तों उपनिषद से। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी। इसका आंसर है दोस्तों चतुर्वेदी मंगलम। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा राजवंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था। इसका आंसर है दोस्तों पाल वंश। अगला प्रश्न है, विजयनगर के चौथे राजवंश आरीवीडु वंश की स्थापना थिरुमल ने कब की थी। इसका आंसर है दोस्तों 1570 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था। इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड डबरिन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर दोस्तों ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है, 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था। इसका आंसर है दोस्तों असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल बारी किससे संबंधित थे। इसका आंसर है दोस्तों फिरंगी महल स्कूल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था। इसका आंसर है दोस्तों माउंटेन बेंटन प्लान द्वारा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जलियांवाला हत्याकांड में दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी की थी? इसका आंसर दोस्तों उधम सिंह ने। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते दोस्तों, मिलते हैं, तब तक लिए बाय।